हेलो ट्रेनीज, आज मैं पिछले वीडियोस मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको सिंपल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊँ। सिंपल जो फ्रैक्शन है वो होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एन की भिन्न बराबर होता है अंश बटे हार। साधारण भिन्नों को जोड़ना क्या है? जैसे सवाल है 2/3 प्लस 5/4 प्लस 7/2, इनको जोड़ने से पहले इनको क्या करते हैं, हरों को क्या करते हैं, एक समान करते हैं, हरों को क्या करते हैं, समान। तो हम इसका 3 का 4 का 2 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो लासा जो है इस तरह से लेंगे 3 4 2, 3 बन जा 3 4 2, 1 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2, जो लासा होगा हमारा 3 2 2 2, 3 2 6 6 2 12, हमारा जो लासा है इनका 3 4 2 का लासा आएगा 12। तो इससे भाग करेंगे 3 से 12 के लिए भाग करेंगे, 3 4 12, 4 जो आएगा यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो क्या लगाते, माइनस। अब 4 से 12 के लिए भाग करेंगे, 4 3 जा 12 3 जा यहाँ लिखेंगे गुणा 5, प्लस 2 से भाग करेंगे 12 के लिए, 2 6 जा 12, 6 जा × 7। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितने होते 8, 3 5 जा 15, प्लस 6 7 जा 42/12। अब जो है हम इनको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 13 14 15 15 के 5 हासिल लगा 1 1 और 4 5 और 1 6/12। अब क्या करते हैं, इसको भिन्न के ही रूप में रहने देते हैं, 65/12 या जो भी आंसर आएगा इसको 12 से 65 की भाग करके लिख देंगे, जैसा हमारे आंसर रूप में होगा हम उसी तरह बना देंगे। साधारण भिन्नों को क्या करना है, घटाना। तो सबसे पहले हमें साधारण भिन्न को घटाएंगे कैसे, इनके जो साधारण भिन्न है इनके क्या लेंगे हम, हर जो है इनको समान करेंगे, समान करके फिर लासा लेके इनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो है ये है, लासा लेंगे इनका 9 2 जा कितना हुआ 18, लासा जो हमारा आएगा 18 आएगा, 9 से इसको भाग करेंगे, 9 2 जा 18, 2 गुणा क्या लिखा जाएगा 5, माइनस 2 से भाग करेंगे 18 के लिए, 2 9 जा 18, 9 जा यहाँ लिखा जाएगा गुणा 7। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 जा क्या हुआ 10, माइनस 9 7 जा 63/18। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कौन सा अधिक है, माइनस वाला ये अधिक है, तो इसमें से ये घट जाएंगे, तो माइनस का कितना आएगा 53/18, तो हमारा ये आंसर आएगा, चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। अब क्या है, गुणा करना, तो गुणा में क्या है, हम अंशों की अंशों से गुणा कर लेंगे और हरों की हरों से गुणा कर लेंगे, तब इस सवालों को हल करेंगे। ये क्या है, इसे अगर भाग हो रहा है नीचे वाले तो काट सक भी सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 8, 3 7 जा कितना हुआ 21/2, अब इनकी नीचे हर की वालों की गुणा करेंगे, 5 2 जा 10 10 8 जा 80, तो हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा सवाल आएगा, हम करेंगे 4/5 × 25/36 × 7/2, इस सवाल को हल करेंगे तो एक ही टेबल से ऊपर नीचे करना चाहिए, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब अंशों की गुणा कर लेंगे हम, क्या अंशों 1 5 और 7, क्या हुआ 1 5 जा 5 5 7 जा
फाइव गुणा सेवन जा अपॉन नाइन वन जा नाइन गुणा टू, तो फाइव सेवन जा कितना हुआ थर्टी फाइव, नाइन टू जा एटीन, ये हमारे सवाल निकल के आ गए। अब क्या है भाग करना, भाग करने में क्या है इस भिन्न को भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे थ्री अपॉन एट से, तो इसमें क्या होता है इसमें पलट जाता है, यानी कि टू अपॉन फाइव भागा का चिन्ह हटाएंगे, चिन्ह लग जाएगा गुणा का और ये संख्या क्या हो जाती है पलट जाती है एट अपॉन थ्री। अब हम दोनों के ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे अंशांश की, टू एट जा कितना हुआ सिक्सटीन अपॉन फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ये हमारे सवाल निकल कर। दूसरा सवाल है मान लीजिए फाइव अपॉन एट भागा करना है सिक्सटीन अपॉन फोर्टी, तो इसको कैसे हल करना है फोर अपॉन एट भागा का चिन्ह टाइम गुणा का लगाएंगे, इसको क्या करेंगे इस संख्या को पलट देंगे, यानी कि चालीस ऊपर हो जाएगा और सोलह नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाग करेंगे आठ पंजे चालीस, चार दूनी चार चौक सोलह, यानी कि पांच बटा चार, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सिंपली फ्रैक्शन के करने के लिए बॉड मास का प्रयोग किया जाता है, बी फार होता है ब्रेकेट, जो भी पहले हल करेंगे जो भी क्वेश्चन में ब्रेकेट होगी बड़ी मझली छोटी इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, इसको हल करेंगे ऑफ का मतलब होता है का, जो भी ऑफ में होगा पहले इसके बाद ब्रेकेट बाद ऑफ वाला हल करेंगे, फिर क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन में आएगा डिवीजन, डिवीजन का अर्थ होता है भाग, सवाल में क्या करेंगे हम भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा मास, मास मतलब क्या होता है मास सॉरी मास नहीं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, जो भी हम करेंगे हम उसके बाद डिवीजन के बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे, ए फॉर एडिशन होता है इनकी जोड़ना, मल्टीप्लाई के बाद जो भी क्वेश्चन में होगा जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे एंड में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, हम क्वेश्चन क्या करेंगे एंड में घटाएंगे। अब क्या है बॉड मास का प्रयोग करेंगे, पहले क्या है ब्रेकेट, सबसे पहले हम इनको ब्रेकेट को हल करेंगे, फिर क्या है ऑफ, ऑफ दिया नहीं है, फिर है डिवीजन, फिर डिवीजन करेंगे फिर हल करेंगे, तो ये सबसे पहले हमें जो ब्रेकेट दिया है ब्रेकेट वाले को हल करेंगे, इनका जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12, अब जो 12 एलसीएम आएगा चार तिया बारह तीन गुणा तीन प्लस छह दूनी बारह दो गुणा पांच, अब क्या करेंगे भागा का चिन्ह लगाएंगे चार दूनी आठ, आठ तीन ग्यारह बटे चार माइनस तीन एकम तीन, तीन दो पांच बटे तीन, अब क्या करेंगे हम इनको हल करेंगे तीन तिया नौ प्लस दो पंजे दस अपॉन ट्वेल्व भागा, इनका एलसीएम लेंगे हम बारह है तो बारह एलसीएम लेंगे, चार से भाग करेंगे चार तिया बारह तीन गुणा ग्यारह माइनस तीन चौक बारह चार गुणा पांच, अब जो है हम करेंगे बार दस और नौ कितने हो गए उन्नीस बटे बारह भागा ग्यारह तिया तैतीस माइनस चार पंजे बीस अपॉन ट्वेल्व, अब हम इसको हल करेंगे निकल के आया हमारा 19 बटा 12 भागा 33 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 3 13, अब क्या करेंगे अपॉन 12, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे 19 बटे 12 भागा का चिन्ह हटाएंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या क्या हो जाएगा
पलट जाएगा, इनकी 12/13, तो 12 से 12 कट गया, आंसर जो हमारे यहाँ 19/13 ये निकल कर हमारा आ गया।